नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल हेल्प चैनल पे। मेरा नाम है अरुण और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप मूवीज़ को उसी जगह से रिज्यूम कर सकते हैं जहां पर आपका लिंक एक्सपायर हुआ था। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में और यदि उस डाउनलोडिंग के दौरान अगर आपका लिंक एक्सपायर हो जाता है तो आप किस तरह बिना एक्स्ट्रा डाटा खर्च किए उसी पोजीशन से आप उस डाउनलोडिंग को रिज्यूम कर सकते हैं अपने उस स्मार्टफोन के अंदर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये उपाय सबसे 100% वर्किंग है, मैंने ट्राई किया है 2-3 बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आपके फ़ोन में एक VPN ऐप रहना चाहिए और एक ब्राउज़र रहना चाहिए जिसका नाम है ओपेरा मिनी। मैं बता दूँ कि कुछ ट्रिक्स उसी ब्राउज़र में काम नहीं करते हैं या फिर कोई अन्य ब्राउज़र में भी नहीं काम करते हैं, इसलिए आपको ओपेरा मिनी ब्राउज़र आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहना ज़रूरी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उस मूवीज़ को डाउनलोड करके उस लिंक को एक्सपायर अगर हो भी जाता है बीच में तो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और उसी पोजीशन से आपको रिज्यूम करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह मैक्स स्टील का एक मूवी है जो कि 2016 वाला है। मैं आपको इसे डाउनलोड करके दिखाऊंगा और आप ये देख लें कि आज January 4 है, टाइमिंग आप 4:08 PM देख सकते हैं। तो आप, मैं इसे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, आप कोई भी लिंक ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ, चलिए रीनेम कर देते हैं क्योंकि यहाँ नाम उटपटा है। चलिए रीनेम कर दिया मैंने, अब इसे डाउनलोड करते हैं। चलिए मेरा यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर ऊपर में देख पा रहे होंगे कि मेरा ये जियो सिम है तो जिसका 1 GB डाटा लिमिट खत्म हो चुका है, इसलिए स्लो स्पीड दे रहा है। तो जैसे कि आप स्लो स्पीड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी ये 5 घंटा के अंदर ये मूवी डाउनलोड होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे 5 से 6 घंटा के बाद मैं आपको दिखाऊँगा और मैं इसी 5 से 6 घंटे के दौरान ही मैं इस मूवी को पोज कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका लिंक अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप किस तरह इसे रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड होने देता हूं, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि मैंने ये मैक्स स्टील को 258 MB पोज कर दिया था कल ही रात में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज January 5 है और टाइमिंग आप देख सकते हैं 4 बज चुके हैं। तो मैंने इसे कल ही डाउनलोड पे लगाया था 4 बजे आसपास, तो लगभग से 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये मैक्स स्टील का लिंक एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा ये इनवैलिड लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपके फ़ोन में VPN ऐप रहना ज़रूरी है और एक फ़ाइल मैनेजर ऐप। तो सबसे पहले तो वो करना क्या होगा, अपने फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप उस डाउनलोड लोकेशन पर जाइए जहां पर आपका ये मूवी डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरा यहां मैक्स स्टील आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसका प्रॉपर्टीज़ तो आपको लगभग पूरा दिखाएगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन वो करना क्या है, सिंपली आपको इसके कॉपी करके किसी और एक फोल्डर में आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा कॉपी हो चुका है, तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपली जो पुराना मैक्स स्टील है उसे आपको डिलीट करना है। परमानेंटली डिलीट कर दीजिए अपने उस लोकेशन से जहाँ पर यह आपका फाइल डाउनलोड हो रहा था। डिलीट करने के बाद आपको इस ओपेरा मिनी के अंदर से भी आपको उस फाइल को डिलीट करना होगा, इसलिए डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको जाना होगा, आपको उसी लिंक में आपको जाना होगा जहां पर से आपने उस मूवी को डाउनलोड करना शुरू किया था। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे मेरा यही वेबसाइट था, तो इसका लिंक मैंने यहाँ खोल दिया था। तो चलिए मैं ऐसे, करना क्या होगा आपको, पहले तो VPN ऐप खोलना होगा और कोई एक सर्वर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ VPN हो चुका है कनेक्टेड, तो आपको सिंपली जाना होगा उस ओपेरा मिनी में और आपको दोबारा से उस लिंक को ओपन करना होगा। याद रखें कि पहले VPN कनेक्ट कर ले, उसके बाद ही आप उस लिंक को खोले जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा से डाउनलोड करना होगा उसी फाइल को उसी नाम से। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पुराना नाम वही शो कर रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो नाम से पहले रीनेम किया था उसी नाम में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ नाम को, चलिए अब इसे हम रीनेम कर देते हैं अपने पुराने वाले मूवीज के नाम पे। इसके बाद हम डाउनलोडिंग शुरू कर देंगे। डाउनलोडिंग शुरू होने के बाद आपको सिंपली इसे पॉज कर देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपको वापस से फाइल मैनेजर में जाना होगा और जहाँ पर आपने उस फाइल का बैकअप बनाया था तो आपको उसे कॉपी करना होगा और आप दोबारा से डाउनलोड लोकेशन में जाएंगे तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा मैक्स स्टील का, मींस वो मूवीज़ का। और वो करना क्या है, सिंपली आपको उसी जगह पे दोबारा जाके पेस्ट कर देना होगा उस पुराने फाइल को इस नए फाइल के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ कॉपी हो चुका है, तो आपको दोबारा से उसी को रिज्यूम करना होगा ओपेरा मिनी में जाके। चलिए ओपेरा मिनी में वापस आने के बाद आपको सिंपली इसे रिज्यूम करना होगा। रिज्यूम करने के बाद आप देख पा रहे होंगे आपका डायरेक्टली 258 MB से डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। तो इसे आप दोबारा से फिर से नए पोजीशन से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पोजीशन से दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि ये VPN ऐप आपको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि इसी VPN के IP एड्रेस से ही ये न्यू मूवी आपको डाउनलोड हो रहा है उसी पोजीशन से जहां पर से आपने इसे आपका ये लिंक एक्सपायर हो चुका था। तो चलिए अब इसे मूवीज़ को मैं डाउनलोड होने देता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगा लास्ट में कि ये वीडियो चलेगा पूरा, ये मूवी अगर पूरा डाउनलोड होता है तो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ मूवीज़ डाउनलोड हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं 5:06 हो चुका है, मेरा ये मूवी पूरी तरह डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ इस मूवी को। मैं आपको ये मूवी पूरी लास्ट तक दिखाऊंगा कि ये मूवी पूरी तरह चलता है लास्ट तक, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है इस मूवी के फाइल में। ये मूवी पूरी तरह चला है और इसमें कुछ भी एरर नहीं है, तो आपको पता लग गया होगा कि इस ट्रिक की मदद से आप कोई भी मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका लिंक एक्सपायर हो भी चुका है तो आप उसी पोजीशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा ट्रिक है जिसकी मदद से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। अभी भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ट्रिक की मदद से आप प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे अगले वीडियो में देखेंगे और कुछ मैं इंटरेस्टिंग लाऊंगा जिससे कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। तो तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।